महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सियासी पिच के माहिर खिलाड़ी कैलाश क्रिकेट से लंबे वक्त तक जुड़े रहे, लेकिन इस बार वे पिट्टू टूर्नामेंट के बहाने कमबैक करते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। तो पांच राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद भोपाल में इस टूर्नामेंट के प्रमोशन के जरिए वो मीडिया से मुखातिब हुए, तो बंगाल से लेकर कश्मीर तक कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। तो सीएम शिवराज की भी खुलकर तारीफ की, वो वंशवाद पर भी खुलकर बोले तो ममता सरकार को भी जमकर कोसा। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय की इस शॉर्ट नोटिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने निकाले जाएं? आज बात होगी इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले देखते ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक अपने सियासी कौशल का लोहा मनवा चुके कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कभी क्रिकेट पॉलिटिक्स में जोर आजमाइश करने वाले कैलाश इस बार देसी खेल सितौलिया या कहे पिट्ठू के बहाने लाइमलाइट में आ गए हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद भोपाल से दूरी बना चुके कैलाश इस बार भोपाल में ही राष्ट्रीय स्तर का पिट्ठू टूर्नामेंट आयोजित करवा रहे हैं। वजह, पीएम मोदी ने इन देसी खेलों के प्रमोशन का जो आइडिया दिया था उसे कैलाश ने हाथों हाथ लिया और साफ गोई से कहा कि हम अपने कप्तान यानी मोदी के इशारे पर काम करते हैं। मन की बात में एक बार पीएम साहब ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में खेले जाने वाले खेलों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्होंने इस खेल का जिक्र किया था पिट्टू का मन की बात में कि पिट्टू हम भी खेला करते थे, आप लोगों ने भी खेला होगा, पर इसको क्या ऑर्गेनाइज तरीके से हम इसकी प्रतियोगिता करा सकते हैं क्या। तो उसके बाद फिर खेलो इंडिया में इस खेल के बारे में चर्चा हुई, उन्होंने इस खेल को मान्यता दी है। ये पूरा बचपन में खेला जाने वाला उम्र में खेला जाने वाला सितोलिया को एक नियम में बांध कर एक अधिकृत खेल बनाया है और इसको खेल विभाग ने मान्यता भी दी है। सितोलिया की जगह ये पिट्टू आपके सामने रखे, हम सात पत्थर लगाते थे उस जगह सात ये लकड़ी की गई। तो मौका भले ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी का था, लेकिन असली मुकाबला तो मीडिया के सियासी सवालों और कैलाश के दिलचस्प जवाबों के बीच ही था। डीएनएन की ओर से एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री ने जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया कि कैलाश की नज़र में वो सात पत्थर कौन से हैं जिन पर वो निशाना लगाना चाहते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। हम कार्यकर्ता हैं, हम टीम में भी खेलते तो कप्तान के निर्देश पर काम करते हैं, पिट्ठू खेलते तो कप्तान इशारा करते वो करते हैं, पार्टी में भी हम कप्तान के इशारे पर ही काम करते हैं, कप्तान जिसको बताता है उसको शिकायत करते हैं। एक तरफ एमपी में शराबबंदी आंदोलन के जरिए उमा भारती सक्रिय हैं, पत्थर फेंकने के साथ वो चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल में खेला होबे का शिकार हो चुके कैलाश भी फिर मध्य प्रदेश में खेलों के जरिए अपनी आमद दर्ज कराते हुए अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। पिछली बार कैलाश विजयवर्गीय भोपाल में अपनी भुट्टा पार्टी के समय सुर्खियों में छाए रहे थे जब उन्होंने सीएम शिवराज के साथ फिल्म शोले का गीत गाकर दोनों राजनेताओं की दोस्ती और केमिस्ट्री बताई थी, लिहाजा जब मीडिया ने गुगली डालते हुए 2023 के लिए सीएम के चेहरे का सवाल पूछा तो कैलाश ने भी आगे बढ़कर सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा। हालांकि साथ में उन्होंने जोड़ा कि अभी फैसला नहीं हुआ है। देखिए, इस प्रदेश में उन्होंने एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता, उनकी संवेदनशीलता, ये सब उनकी विशेषता है जिसके कारण वो आज भी उतने ही लोकप्रिय है, आज भी बच्चों के बीच में मामा के नाम से पहचाने जाते हैं और इस प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका के बाद एक लंबी बड़ी इमारत अगर विकास की बनाई है तो शिवराज जी के नेतृत्व में बनी है।
इसलिए शिवराज जी ने एक बहुत अच्छी पारी खेली है और बहुत साफ और विकास की पारी खेली है। देखिए इसका उत्तर गंभीरता से यह है कि अभी पार्टी ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया। शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही अगला चुनाव तो बैकडोर से संसद नहीं जाने का ऐलान करने वाले कैलाश ने अगला चुनाव लड़ने के सवाल को बाउंसर समझकर फैसला पार्टी करेगी वाला जवाब दे दिया। ये निर्णय हमारा नेतृत्व करता है और उन्होंने कहा कि मैं जनता का काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं स्वयं अपने बारे में कभी निर्णय नहीं लेता। हालांकि इस दौरान कैलाश उमा भारती के शराबबंदी अभियान का समर्थन न करते हुए सरकार के साथ खड़े नजर आए। इसके अलावा उन्होंने बंगाल की ममता सरकार को वहां के हालातों के लिए जमकर कोसा, तो कश्मीर फाइल्स, बजट समेत कई और मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की ये शॉर्ट नोटिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नोटिस करने लायक थी, जिसमें खेल के जरिए सियासत और सियासी खेल खेलने को कैलाश आतुर नजर आ रहे हैं। अब इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। तो मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक अपने सियासी कौशल का लोहा मनवा चुके कैलाश विजयवर्गीय जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या भुट्टा पार्टी करते हैं या कुछ भी आयोजन करते हैं या मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर छोड़ जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए शुरू करते हैं चर्चा और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी, कांग्रेस से आनंद तारण जी और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आनंद तारण जी, पहला सवाल आपसे ही। बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहते आते हैं कि अब शिवराज की कोई वो नहीं है, ढलता सूरज है, तमाम सारी बातें। क्या लगता है कैलाश जी के बयान से कि चौथी पारी के बाद भी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा, ये कैलाश विजयवर्गीय साफ कर चुके हैं? ये महेंद्र भाई, ये इनके अंदरूनी मामला भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव नहीं, ठीक है, अंदरूनी मामला है, लेकिन आप तो जाने वाले हैं, जाने वाले कहते हैं ना, तो इस पर तो बनता है ना एक आपका कमेंट कि कम से कम वो कह रहे हैं नहीं जाने वाले हैं, कांग्रेस ही कह रही है जाने वाले हैं। देखिए जाए ना जाए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 18 सालों के शासन काल में किस तरह से अराजक का माहौल है, किस तरह से लाइन ऑर्डर नहीं है, किस तरह से महंगाई चरम सीमा पर, किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब चीजें लेके हम चुनाव से आएंगे। आपके ही बड़े लीडर जब भी शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देते हैं कि अब उनसे वापस लिया जा रहा है इस्तीफा, अब वो जाने वाले हैं, अब बदलाव की अटकलें हो रही हैं, ये आप ही लोग कहते हैं ना महेंद्र भाई? ये देशकाल परिस्थितियों की बातें हैं, लेकिन आज जो बातें सामने आई, आज जो बात सामने आई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। चुनाव किसी के नेतृत्व में भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी सामने है और उसके सामने कांग्रेस है, कांग्रेस अपने हिसाब से काम करेगी। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां, जिस तरह से खरीद फरोख का व्यापार करा, किस तरह से व्यापारी सरकार की भूमिका निभा रही है, जनता तो ठगी महसूस कर रही ना। जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को, इन्होंने खरीद कर अपनी सरकार गिरा के, कांग्रेस की सरकार को गिराकर और एक अराजक सरकार पैदा कर ली। आज भोपाल से हम 50 किलोमीटर दूर रात में 8 बजे के बाद जाते हैं तो हमें शक रहता है कहीं कोई लूटमार ना हो जाए। मतलब किस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो अराजकता बढ़ रही है। ये सब चीजें लेकर हम चुनाव में आएंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है, कोई भी किसी के नेतृत्व में चुनाव हो, कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक है गोविंद मालू जी, कैलाश विजयवर्गीय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने भी सुना है अच्छे से, उनके जो दो तीन बातें हैं उन बातों पर आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे कि कम से कम उन्होंने दो चीजें स्पष्ट की कि शिवराज जी ने बहुत अच्छे से अपनी पूरी पारियां खेली हैं और अब अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा। हालांकि उन्होंने यहां पर पौज दिया और कहा कि अभी पार्टी हाईकमान का फैसला बाकी है, कैसे लेते हैं इसको? जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो जो भी बात बोलते हैं वो समझकर बोलते हैं, और पार्टी के सिपाही हैं तो वो पार्टी के अनुशासन की परिधि में रहकर और अपनी बात कहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए भी कहा कि भारतीय खेलों को बढ़ावा देने की बात है तो वो मैं कर रहा हूँ। शिवराज जी के लिए उन्होंने लगातार पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहे हैं, उनके नेतृत्व में वो मंत्री भी थे,
तो ये कई लोग जो उड़ाया करते हैं खबरें आपसी उस कांग्रेस के लोग उसकी इस बात का वो लगातार खंडन भी करते हैं और वो जो सच्चाई है उसको बयान भी करते हैं। इसलिए इसको कोई राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा ना चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश की सरकार और मुखिया के बारे में यदि अच्छी बात कह रहे हैं तो अच्छी बात है ना। ठीक बात है, राजनीतिक नजरिए से भले ही नहीं देखा जाए लेकिन जो राजनीतिक कमेंट्स करते आ रहे थे, जो राजनीतिक तंज कसते आ रहे थे, उनको क्या जवाब माना जाए कैलाश जी का? गोविंद वालू जी, जवाब मैंने कहा ना, ये कोई पूछता है तो उसके बारे में उनको जवाब देते हैं। कई जब कोई पत्रकार बंधु अपने कोई प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब देते हैं, वो कोई ऐसे ही जाके थोड़ी बोल देते हैं कि हाँ ये तो बिना किसी प्रश्न के कोई उत्तर नहीं आता है। तो वो किसी ने पूछा होगा तो उन्होंने जवाब दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, सकारात्मक जवाब दिया, उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। नहीं, सकारात्मक रूप से बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक बात है। चलिए, देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, इस पूरे बयानों को जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखा जाए, पहले तो ये सवाल। देखिए, एक तो एक कैलाश विजयवर्गीय की लंबे अरसे बाद सक्रियता के राजधानी में वो एक खेल के बहाने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विभिन्न मुद्दों पर जैसे आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसे कल अखबारों में भी वो दिखेंगे क्योंकि लंबे समय से वो प्रदेश से एक तरह से कटे हुए हैं, राष्ट्रीय राजनीति पश्चिम बंगाल और सब जगह। तो ये जब कई बार ऐसा होता है कि जब चुनाव का समय उनकी गिनती शुरू होती है तब पार्टी भी अपने नेताओं को कहीं किसी को सक्रिय करती, कहीं किसी को, जैसे अलग अलग क्षेत्रों के नेता सक्रिय हों, उनके समर्थक सक्रिय हो जाते हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषक कुछ अर्थ निकालते रहते हैं, तो ये सब चर्चा का विषय बन जाता है। अंततः चर्चा में भाजपा रहे, भाजपा के नेता रहे, इन्हीं को फिर चुनाव में वोट मांगने भी जाना है। तो भाजपा में ये होता भी है कि पहले कितने भी